केबल से ब्रिज पर स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम अने फलार प्रकार की लाइटिंग इंस्टॉल करवा गत 28 जुलाई थी 27 ऑगस्ट ब्रिज नो अराजंती अथवा तरफ नो भाग बंद करायो हतो। हाल गणेश उत्सव ने पगले ठेर ठेर ट्राफिक थवा मांडता ब्रिज खोली देवायो छे। जो कि फरी मात्र अठवाडिया सुधी ब्रिज बंद राखवो पड़शे। ब्रिजनी कामगीरी 28 सप्टेम्बर सुधी में पूर्ण थई जवानो पालिका ने अंदाज छे। ब्रिज बंद करीने रिपेरिंग करवा जेवुं काम पूर्ण थयुं छे, परंतु हजु कामगीरी एक महीना सुधी चालशे, जे माटे वाहन व्यवहार अवरोधाशे नहीं। केटलीक कामगीरी मुश्किल होय एक महीनो ब्रिज बंद रखायो हतो। शक्यता छे कि फरी अठवाडियું ब्रिज बंद राखवो पड़ी शके छे। आ અંગેનો નિર્ણય 31 ઓગસ્ટ કે ગણેશ ઉત્સવ બાદ કરવામાં આવશે। केबल ब्रिज पर 15 ऑगस्टे राष्ट्रीय तिरंगा लाइट थी शनगार आयो हतो, त्यारे ब्रिज ना अर्धाज केबल पर लाइटिंग शुरू कराई हती, छता लोको मा घणुं ज आकर्षण जाम्यु हतु। लाइटिंग जोवा लोको ना टोळे टोळा उमटी पड्या हता, परंतु आगामी अठवाडिया दरमियान 10 दिवस मा आवनार तमाम केबलो नी लाइटिंग शुरू थई जशे, त्यारे शहेर मा नजराना समान केबल स्ट्रेट ब्रिज नो नजारो जोवो वधु मनमोहक रहेशे तेवुं इजારદાર પરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ, એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત।